1962 एशियन गेम्स में भारतीय फुटबॉल टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं उस गोल्ड मेडल विनिंग जर्नी पर। भारत का पहला मैच साउथ कोरिया के खिलाफ था। साउथ कोरिया से पहले ही मैच में भारतीय फुटबॉल टीम 2-0 के स्कोर से हार गई, लेकिन बाउंस बैक करते हुए हमने थाईलैंड को 4-1 हरा दिया। तीसरे मैच में पीके बैनर्जी और तुलसीदास के गोल्स की मदद से जापान को 2-0 के स्कोर से हमने हराया और सेमीफाइनल्स में जगह बना ली। टीम की आकर्षक परफॉर्मेंस सेमीफाइनल्स में कंटिन्यू हुई। 1-2 के स्कोर से हारते हुए वहां से बाउंस बैक करते हुए हमने वियतनाम को 3-2 हरा दिया। अब टीम फाइनल में पहुंच चुकी थी और हमारा फाइनल मैच साउथ कोरिया के खिलाफ था। पहले ही मैच में मिली शिकस्त के जख्म अभी हरे थे। सेनयान स्टेडियम 1,00,000 फैन से खचाखच भरा हुआ था। ज्यादातर फैन साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे, पर भारत को एक आश्चर्यजनक सपोर्ट पाकिस्तान हॉकी टीम से मिली। मैच शुरू हुआ और 17वें मिनट में पीके बैनर्जी ने गोल कर दिया। फिर डिफेंडर जर्नैल सिंह ने गोल करते हुए क्राउड को पूरी तरह से शांत कर दिया। मैच 2-1 की स्कोरलाइन पर खत्म हुआ और भारत एशियन चैंपियन बन चुका था।